दोस्तों, ये लड़का जो कि चींटियों को मारता था और उनके घरों को तोड़ देता था, एक दिन ये चींटियां डिसाइड करती हैं कि वो उस लड़के से बदला लेंगी। तो चींटियां उस बच्चे के घर जाकर एक दवाई बच्चे के कान में डाल देती हैं, जिससे बच्चा चींटियों के साइज का हो जाता है। फिर ये लोग इसे उठाकर अपनी रानी के पास ले जाते हैं। तब चींटियों की रानी उस बच्चे को हमेशा चींटियों के साथ रहने की सजा सुनाती है, जिसके बाद वो बच्चा वहीं चींटियों के साथ रहने लगता है। एक दिन चींटियों पर कुछ ततैये अटैक करते हैं, तो वे उस बच्चे पर भी अटैक करते हैं। पर जैसे बच्चा उन्हें मारने जाता है, तभी ततैये का एक डंक एक बॉम्ब में फंस जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सभी ततैये वहाँ से भाग जाते हैं। इस पर चींटियों को लगता है कि बच्चे ने उनकी जान बचाई है। फिर एक दिन फील्ड में चींटियों को मारने के लिए ये आदमी आता है। तब बच्चा उन्हें उसी जादुई दवाई को उस आदमी के कान में डालने को कहता है, और दवाई डालने पर ये आदमी चींटियों का साइज का हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। बच्चे की समझदारी से खुश होकर रानी चींटी बच्चे की सजा खत्म कर देती है और उसे दवाई देकर बड़ा कर देती है।